let's see, taste it. Vada pav, traditional Indian subcontinental dish. First time in Pakistan. कैसा फील हो रहा है आपको बड़ा पाव खाने से पहले? मैं सोच रही हूँ क्या है इसमें, क्या चीज एक्साइटिंग होगी, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ बन, बन कबाब जो हमारे यहाँ पे मिलता है। अब लेट्स सी, आज हम खाएंगे सियालकोट के वाहिद स्ट्रीट फूड कार्ट से वड़ा पाव। ये सर्कुलर रोड है, इस सर्कुलर रोड के बिल्कुल बाएं जाने जाते हुए आपको ये जुबली चर्च मिलेगा। इस जुबली चर्च के मेन गेट के साथ ही ये बड़ा पाव वाला बैठा है। इसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक छोटे से सेटअप में अपना सारा सिस्टम मेंटेन किया हुआ है और सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सर पे भी हेड गियर पहना हुआ है और हाथों में भी ग्लव्स पहन के ये सारी चीज़ें बनाता है, जो कि एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहा इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? सर, मिक्स वेजिटेबल का मैश होता है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रेश वेज है उसकी सॉसेज होती है, उसमें कोरिएंडर एंड चिली गार्लिक सॉस है स्पेशली, और जयपुर सॉस होती है जो कि उसमें चूरे के तौर पर ऐड होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो भी इसके टेस्ट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा बड़ा पाव नहीं है, नहीं है, ठीक है। बड़ा पाव बेसिकली एक नॉर्मल स्नैक है, आप हल्का फुल्का फ्राई के लिए ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूखने के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो मिंट एंड कोरिएंडर सॉस यूज़ होती है वो आपके स्टमक के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, और वो आप किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। इवन के मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो मेरे पास आए हैं उनके पर्सनली कमेंट्स ये थे कि हमें ये सॉस जो वो आप अगर सेपरेटली दें या कुछ ज़्यादा, तो वो बड़ा आपको सिर्फ आते ही खाने के लिए कि और ये आपकी अपनी बनाई हुई सॉसेज है? जी बिल्कुल, जो इसकी मेजर सॉसेज है वो ही है। रेसिपी बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है जो कि दुबई में इंडियन है, उससे मुझे सीखने को मिला है। अच्छा, ठीक है, 1980 में गया था वहाँ पे, ठीक है, उसने मुझे इसके लिए हेल्प आउट किया। अच्छा, ठीक है, रेसिपी है वो प्रॉपर इंडियन है, ठीक है, यहाँ पे बनाने के तरीके बता। चले, ठीक हो जाए, चले जी, इनका बड़ा पाव टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा ये बनाते हैं। बड़ा पाव बनाने से पहले पानी जो अवेलेबल है इसके पास, उसको पहले हम स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद इसको तैयार करते हैं। गाड़ी बंद की है, ये क्या चीज है, ये पेड़े हैं, इसको कहते हैं? ये बड़े हैं, बड़े हैं, इसको इसको बड़ा कहते हैं, बड़े कहते हैं। और ये बनता किससे है? ये वेज मैश है। ओके, वेज मैश है।
बेसिकली इसकी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं बड़े की, जिसको जैसे हम यहाँ पे क्या उसे कहते हैं नगेट्स होते हैं, वैसे इसमें ना एक बनता है दाल बड़े का, ठीक है वो बेसिकली आप एज ए नगेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सही है, ठीक है। सॉसेस के साथ इम्यूनिटी के में आप आराम से इसको। और आप यहाँ पे दो तरह के बड़ा पाव बनाते हैं, मैं दो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आगे मतलब तीन और चार इसकी फ्लेवर्स हैं वो भी ऐड होंगे। और ये ज़रा बता दें दो आपके कौन से किस्म के हैं? एक मेरा ट्रेडिशनल है और एक मेरा मायो भी चीज़ के साथ है। चलें सही है, और दोनों में ये बड़ा पाव डलता है ये वाली चीज़? नहीं नहीं यार, ये ना इसका ना मैश होता है, वेज में वेजिटेबल मैश है बेसिकली। इसको डोनट शेप इसलिए कि कस्टमर के खाने के लिए जो है ना थोड़ा ईजी हो जाता है, वैसे इसको हम ना राउंड में करते, बड़ा जो है ना राउंड में करते, अब उसको यहाँ पे एक्चुअली लोगों को नहीं ओ मेरे समझो नाल नाल चल। वेज मैश होता वे तो फीलिंग होती है, इन डोनट शेप ऐसी चीज़ है कि कस्टमर लिए ना खाने लिए बाइट करने लिए उन्होंने हर बाइट में जैन वाला टेस्ट आया। अगर मैं राउंड कर दाँगा ना, राउंड स्टार्टिंग की थी मगर है कि उन्होंने ऐसे थोड़ा जहा किता कि कस्टमर की कंप्लेन सी कि जी सानू ऐसी चीज़ ऐसा नहीं मिलती। ये देखें ये अभी हमारा बड़ा भाव ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ये थोड़ा सा स्पाइसी ही होता है। लॉट ऑफ द कस्टमर जो कंप्लेन करते हैं कि जी स्पाइसी बहुत था, बेसिकली डिश होती ही स्पाइसी है। अच्छा ठीक है। और इसमें हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट्स ये की है कि इसमें हम ब्रेड को स्टीम करते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में जो मुंबई में मिलता है, ठीक है, इसको स्टीम नहीं किया जाता। अच्छा ठीक है। ब्रेड जो है वो एज इट इज ही लेके सॉसेज ऐड करके बड़ा ऐड करके तो सर्व करते हैं। अच्छा सही है, ठीक है। मगर ये कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है ना वो जिसे कहते हैं ट्रेंडी चीज भी देनी पड़ती है। देखें बड़ी खूबसूरती के अंदाज के साथ ये पैकिंग करके हमें दे रहे हैं। वेरी टेस्टी, इट लुक्स लाइक अ बंद कबाब लेकिन ये बिल्कुल भी बंद कबाब जैसा नहीं है। इसके अंदर कुछ उसने क्रंची भी शायद डाला हुआ है या क्या, दिखाएं जरा, दिखाएं अंदर से दिखाएं। ये देखें जरा थोड़ा सा व्यू आपको अंदर का भी देते हैं। इतने मजे के इसके अंदर सॉसेजेस जिसने डाले हुए हैं, क्रंची जो फील आता है दैट इज़ लाइक ए हेवन। यार इतनी प्राइस में इतना मज़े का बड़ा पाव मैंने कभी भी नहीं खाया।